फ्रेंड्स, किचन किंग चैनल का आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा और चना दाल की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी, बहुत ही कम तेल मसाला में बनती है। सबसे पहले हम लोग फ्रेश झींगी ले लेंगे। आधा किलो झींगी है, 3 प्याज है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गोल की है, चना दाल है। सबसे पहले फ्रेश झींगी लेंगे, इसको अच्छा तरह से हम लोग छीलेंगे। छिलका बिल्कुल ज़्यादा मत निकालिएगा, हल्का हल्का ऊपर से छीलिएगा। बहुत सिंपल बनेगी लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनती है, हेल्दी भी है। हरा सब्ज़ी हम लोग को खाना चाहिए, बहुत सारे इसमें विटामिन्स है। इस तरह से हल्का छिलका छिलके आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से छील लीजिए। एकदम हल्का हल्का छिलका निकालिए, खींचा रहेगा तो हल्का से ऊपर से। इस तरह से सारे हम लोग झींगे को छील के अच्छा पानी से फ्रेश से धो देंगे। धो के पानी से निकालेंगे तभी कटिंग कीजिएगा। जिस आकार में आप चाहें तो कट कर सकते हैं, पतला गोल लंबा अपनी मर्ज़ी से कट करें। और हमेशा इसको देखने काटते समय कि इसमें तीता है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर ले ज़रूर, क्योंकि कभी कभी कोई झींगी तीता होता है। देखिए इसको दिखा रहे हैं, इसे हम चेक करेंगे सबसे पहले कि तीता है या नहीं। इस तरह से सभी झींगे कट कर दी, प्या बीच में से हरा मिर्च को जीरा लगा दी, इस तरह से कट कर दे रहे हैं। ये चना दाल है फूलने के लिए दी, इसमें 3 चम्मच मात्र चना दाल ले रहे हैं, बाकी को चटनी बनाना है। मात्र जो 2 चम्मच तेल डालें, तेल को अच्छा से तरह से गर्म कर दें। इसमें मेथी का फ़ौरन दे, हल्का छोटी चम्मच से मेथी दे रहे हैं हम। जब मेथी तड़क जाए तो इसमें हम हरा मिर्चा कट करके रखें वो डाल देंगे। जैसी चटक जाए इसमें प्याज कट करके डाल दीजिए। प्याज अच्छा से दीजिएगा तो भी टेस्टी बनेगा। हल्का हल्का धीमा आंच में इसे भूनते जाइए, बहुत तेल नहीं खर्च होगा। हल्का हल्का धीमा आंच में अच्छा से भुना जाएगा। इस तरह से धीमा आंच करके भूनते जाइए। हल्का सा हम लोग नमक दे देंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गल जाएगा। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है, इसलिए हम छोटी चम्मच से आधा चम्मच नमक दे रहे हैं। हल्का सा भूनेंगे तुरंत नमक गल जाएगा, नमक से प्याज सारा गल जाता है। हल्का पानी छोड़ देगा, ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इस तरह से झींगी को हरा आकार में हम पतला पतला कट के कट कर दिए हैं। चलिए हम लोग का प्याज का कलर चेंज हो रहा है, हल्का कलर चेंज हो गया। इस तरह से देखिए धीमा धीमा से भूनते जाइएगा। चना दाल को अच्छा से 3-4 घंटा के लिए फूलने दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनता है, फूल जाता है, कढ़ाई में एकदम गल जाएगा। हल्का सा हल्दी दे देंगे, सिर्फ कलर आने के लिए हल्दी दीजिएगा। हल्दी डाल के थोड़ा सा हम लोग भूनेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं भूनना है। इस तरह से भूनते जाएंगे, देखिए ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके भूनते जाइए हमेशा, ताकि प्याज हम लोग का अच्छा से भुना जाए। और झींगी को हम लोग कट करके दें, जैसे गोल्डन हो जाएगा झींगी को डाल दीजिएगा। इसे भी हम लोग कुछ देर भूनेंगे अच्छा तरह से, खिंचा रहेगा तो पानी छोड़ देगा। इस तरह से हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे ताकि अच्छा से प्याज इसमें आपस में मिल जाए। चना दाल है 3 चम्मच लिए हैं, फुला दिए थे वो डाल दिए हैं। अच्छा से साथ में इसको भी हम लोग भूनेंगे। कुछ देर भूनने के बाद उसके बाद देखेंगे, अगर पानी छोड़ दिए तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी हमेशा करके इसमें डालिएगा। बहुत कम पानी में ही बन जाता है, धीमा धीमा आँच में छोड़ दीजिएगा तो अच्छा से गल जाएगा, मिल जाएगा आपस में। ढक देते हैं, कुछ देर इसे हम लोग भूनेंगे, 5 से 7 मिनट। अब उघाड़ के देखते हैं, हल्का सा पानी छोड़ रहा है तो देखिएगा कि हल्का सा लटपटा रहा है। इसी तरह से भूनते जाइए। चलिए फिर से ढक देते हैं कुछ देर के लिए अच्छा तरह से। फिर से हम लोग उसको ढक्कन हटा के देखेंगे, पानी छोड़ा नहीं, अब आपस में एकदम मिल चुका है। तो गर्म पानी हम छोटा गिलास से ले रहे हैं, 1/2 किलो सब्ज़ी मात्र थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, वो भी गर्म पानी डाले हैं। बहुत ही जल्दी सब्ज़ी में उबाल आने लगेगा, हम लोग का सब्ज़ी सीझ जाएगा बहुत अच्छा तरह से। कुकर में मात्र 2 सीटी में बन जाएगा, वैसे तो 1/2 घंटा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि दाल सीजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब्ज़ी में अगर दाल नहीं डालिएगा तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से बना के डालिए, इसको ढक देते हैं, उबाल आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा से उबलने लगा है क्योंकि गर्म पानी डालते हैं तो अच्छा से उबल जाता है। झींगा का सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, गाढ़ा देखिए हो रहा है, अच्छा से सीझ रहा है ये। एक
का एक चम्मच आपको जीरा गोलकी दिखा दो। हम इसको सील पर हल्का सा भूख दिए हैं, भूख करके दे रहे हैं। जीरा गोलकी का पाउडर आधा चम्मच सामने डाल दीजिए। इसमें गर्म मसाला भी दे देते हैं आधा चम्मच। इसमें गर्म मसाला ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी इस तरह से बनती है। झींगा की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है और बहुत अच्छा कढ़ाई में टेस्ट बनता है। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाएं, एंजॉय करें इस तरह की सब्ज़ी। सब चीज़ कुकर में नहीं बनना चाहिए, कुछ सब्ज़ी कढ़ाई में बनाई तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। देखिए एकदम लटपट हो गया है। जीरा गोलकी को ज़्यादा भूनना नहीं था इसलिए ऊपर से हम डाल दिए। अगर आपको भूनने का मन है तो भून सकते हैं। हमारा सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा क्योंकि हम जीरा गोलकी डालने के बाद 5 मिनट सिर्फ इसको खोलाए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। बन गया है, रेडी हो गया। अब सर्व करके आप दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया, बहुत ही टेस्टी लगा भी खाने में। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए, पूरे परिवार के साथ खाएँ, इंजॉय करें।